बड़े ज़बरदस्त माहौल के अंदर ना भाई ने शकरकंदी लगाई हुई थी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आपको आज की वीडियो में। ये अभी हम लोग डस्का वापस जा रहे थे तो संबड़ियाल जो एयरपोर्ट चौक है ना, वहाँ से हमने नहर वाला रास्ता जो है ना वो लिया। तो जैसे ही थोड़ा सा आगे आए ना तो यहाँ पे ये हमें शकरकंदी का स्टॉल नज़र आया। ये भाई शकरकंदी जो बना रहे हैं ना, ये तवे के ऊपर इस तरह से स्टीम शकरकंदी होती है। ये सामने जो संबड़ियाल एयरपोर्ट चौक, इसको कह सकते हैं आप, ये नहर का पुल है। वहाँ से अगर आप सियालकोट की तरफ से आ रहे हैं तो आपने लेफ्ट उतरना है, और अगर आप सिटी की तरफ से आ रहे हैं तो आपने राइट उतर के अंदर आना है। ये ना अभी हम लोग वापसी के लिए निकले हैं, और ये नहर जो संबड़ियाल की है ना, उसके बिल्कुल किनारे के ऊपर बड़े ज़बरदस्त माहौल के अंदर ना भाई ने शकरकंदी लगाई हुई थी। तो अचानक दिल किया, रुक गए हैं यहाँ पे। ये देखें, ये तवे के ऊपर जो है ना वो शकरकंदी पकाई जा रही है। नीचे तो देखें टायर है। अच्छा, टायर के ऊपर जो है ना उसने वो लकड़ियों का छापा टाइप जो है ना वो रखा हुआ है, उसको भी ऊपर मट्टी लगाई हुई है। फिर मट्टी लगाई है और फिर ऊपर चुल उसने जो है ना वो रखी हुई है, ठीक है। और फिर जाके ये जरा निज़ाम चेक करें। बजना कितनी देर से तैयार हो जाती है? तैयार है नहीं, मतलब टाइम कितना को लगता तैयार करने लगे? तैयार होगी कार होगी। अच्छा अच्छा, सिर्फ मतलब तो सिर्फ जरा ना रेडी हो गया गर्म रहेगी। अच्छा, तो यह वैसे मतलब कार भी ऐसे तवे तो ही पकाई जाती है? स्टीम होती है दम पे ना। अच्छा 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 अच्छा, पानी जो है तो थानू इतने कितनी देर हो गई काम करदे हैं? असी भाई तकरीबन 2-3 साल हो गए स्टीम करदे हो के बाल दे ते प्लेट किन्ने दी एक लंग देंदे हो? ये जी नबील भाई हैं, ये उनका स्टॉल है। ये साथ में जो है ना नहर के किनारे, और यार इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे ना मौसम है, और साथ में जब आप इस तरह से शकरकंदी के दरमियान ये ज़रा देखें, ये जो लेमू नज़र आ रहे हैं ना, ये भाई जान ये चुकंदर है, ये क्या है? कचालू। आलू कचालू, आलू कचालू ले जी, ये आलू कचालू आ गया। ये भी मतलब ये बॉयल होता है? अच्छा, बॉयल होता है। तो शकरकंदी का जब सीजन नहीं होता तो फिर क्या करते हैं आप? इतनी ला दे चांदी चांदी के सामने दुआ उठ रहा है लकड़ी वाला ना। ये देखें यार, ये चटनी जड़ी बनाते हो कहती होती है? खरबानी, खुबानी की चटनी होती है जी। ये साथ में भाई स्पेशल मसाला है। हजरात जो है ना सारे दूर दूर चले गए हैं शकरकंदी से, लेकिन ये जो है जी, ये शकरकंदी का टेक्सचर चेक करें ज़रा। कैप्सूल दे मरी शक्करकंदी जो है ना जी तैयार हो गई है। और पिछली दफ़ा जहाँ पे हम पिछले जगह पे वाकया मौजूद थे वहाँ पे तो भाईजान जो है ना वो नहीं खा सके, तो अब ज़ाहिर भूख तो इनको लगी होगी। वाह जी वाह, मज़ा आ गया। करो जी चेक, तुम भाई नहर ना छोड़ दिता तो गल करो, इन्नी मिल गल सर। कोई मसाला नहीं है शकरकंदी, आप तौर पर खाते हैं ना तो उसकी जो चटनी होती है या मसाला होता है ना वो बहुत तेज़ होता है, ये बिल्कुल लाइट है, ठीक है। और ये मेरा ख्याल है हर बंदे के लिए खट्टी मीठी चटनी
ਨਾਲ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਮਸਾਲਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਆਇਓ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਹਾਏ 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 ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀ ਚਟਨੀ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਇਸਕੋ ਥੋੜਾ ਸਾ ਪਹਿਲੇ ਟੇਸਟ ਕਰਤੇ ਹੈ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਣਾ ਜੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਟੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ये जी शक्करकंदी एक और सुभान अल्लाह यार कमाल हो गया इसे कहते हैं रोटी खाने के बाद एक दफा फिर से रोटी खाना रोटी लाइट पहले रोटी प्रो मैक्स थी और अभी रोटी लाइट आ गई बेहतरीन है और वाकई बेहतरीन है ऐ भाई नबील ने और ना वेख लो जी तुम तो वीडियो देखनी है ना इन्होंने कोल संभड़ियाल नहर के उत्ते तुम आ जाना एयरपोर्ट के सामने रोड हाँ जी भाई जी किन्ने बजे तक होंगे हो सवेरे हम कि दस साढ़े दस बजे आ जाते हैं और रात आठ नौ बजे तक ये यहाँ पे होते हैं ये आ गए जी तो डियर व्यूअर्स इस वीडियो को हम यहीं पेंड करते हैं आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में तब तक हमें दीजिएगा इजाज़त अल्लाह हाफिज़।